बाकी मेरा नाम नीना वर्मा है और साउथ दिल्ली से इस बिजनेस से पहले मेरा खुद का अपना आईफा इंस्टीट्यूट था, उसको एज अ डायरेक्टर रन कर रही थी, अकाउंटेंट कोर्स किया करते थे। बिजनेस देखा, जरूरत नहीं थी, सही बताऊं तो सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मेरा खुद का अपना इंस्टीट्यूट रन होता था। जरूरत सच में नहीं थी, पैसा अच्छा खासा कमाती थी। जिस टाइम पे सीजन चलता था मैं लाखों रुपए कमा लिया करती थी, जिस दिन सीजन नहीं चलता था उस दिन जो कमाया करती थी मैं वो सीजन का लगाया हुआ कमाया करती थी। माइंड में ये भी चलता था, उसके बाद हर साल मेरे माइंड में ये चलती थी, मैंने आईपी कॉलेज इंद्रप्रस्थ फॉर वुमेन कॉलेज से मैं पास आउट, मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया यहाँ से, पॉलिटिकल ऑनर्स से मैं पास आउट हूँ। जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया उसके बाद देखा तो मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि मैं हर साल मार्केटिंग के लिए कमेटियाँ डालती थी। कमेटियाँ डालने का मुझे बहुत शौक था, हर साल मुझे कमेटी के लिए शौक वो डालना पड़ता था। बिजनेस देखा, बिजनेस जब बताया गया मैंने यही कह दिया था क्योंकि 40 लाख 95 लाख की बात समझ नहीं आती है, माइंड में तो वही था हजारों वाला, यस या नो। अब इस सॉफ्टवेयर में यदि लाखों करोड़ों की बात करोगे तो बहुत बड़ी स्माइल सी आती है या नहीं? तो मेरे को तो सबसे पहले बहुत बड़ी स्माइल आई और मैंने फोल्डर बंद करवा दिया और मैंने कहा आप एज अ स्टूडेंट हूँ और मैं आईफा की डायरेक्टर हूँ और आप किसको क्या प्लान दिखा रहे हो, थोड़ा डिफरेंट जानो। और वो मेरी कॉलेज की सीनियर थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा नहीं, वो कंटिन्यू आती रही। फॉलोअप के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, पैसिव इनकम के बारे में मुझे पता चला जो मैं बेखूबी जानती थी पैसिव इनकम के बारे में, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे अपनी ब्रांचेस खोलनी है आईफा की जगह जगह हर सिटी में, तो मैं पैसिव इनकम के बारे में जानती थी। उन्होंने मुझे बताया ट्रेडिशनल वर्क के बारे में, नेशनल वर्क के बारे में बताया कि आप कितना बड़ा वर्क कर सकती हो टीम के वहाँ से माध्यम से, आपको भी आईफा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जगह जगह ब्रांचेस खोलने के लिए, क्योंकि मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो 7 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया था। जी महागुरु जी, अब हाँ मैं काम कर रही हूँ, पहले मैंने जोधपुर, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने जोधपुर में रह के, मतलब पहले मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था, फिर मैं मेरठ रह के मैंने बिल्ड किया, उसके बाद फिर मैं जोधपुर में रह के मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, उसके बाद फिर मैं बैक दिल्ली में आई, फिर मेरठ में, अब मैं परमानेंट में दिल्ली में रह के इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड योगेश वर्मा मेरठ में रह के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बाकी बिहार माँ गुरु जी के माध्यम से 8-10 सीटियों में मेरा चल रहा है मेरा काम। और माँ गुरु जी बात रही कमेंटमेंट की, तो मेरा कमेंटमेंट है सुरजीत माँ गुरु जी एक ही बात बोलते हैं कि ब्रांड के लिए काम करना है नीना बहन जी। और सबसे बड़ी बात है मुझे सुरजीत माँ गुरु जी जो बात अच्छी लगती है, बहन जी सबसे छोटी बहन जी मेरी प्यारी बहन जी आपका बड़ा भाई चाहता है कि आप ब्रांड बनो, नंबर वन के लिए काम करो। और माँ गुरु जी कसम है मुझे अपने गुरु की तस्वीर माँ गुरु जी की, अपने बड़े भाई सुरजीत माँ गुरु जी की, कि यह लड़की ब्रांड बनेगी, ब्रांड बनेगी, क्योंकि एक शादीशुदा लेडीज के लिए ना एक ससुराल वाले भी बोलना चाहते हैं, पियर वाले भी। मेरे लिए सब दोनों लोग बोलते हैं कि नीना तू करती क्या है, पैसा नहीं आता, ये आउटपुट नहीं आता। मैं भगवान कसम खा के कहती हूँ इस बात की कि ऐसा काम करेगी मेरे ससुर भी प्राउड करेंगे, मेरी सास भी प्राउड करेगी, मेरे भैया भी प्राउड करेंगे, मेरे माँ बाप भी प्राउड करेंगे। भगवान कसम खा के इतना मान रखना है मुझे, ये बड़ा काम करके दिखाना है। और रही बात उसकी, तमाम लोग बोलते हैं शादी हो गई, एक बच्चा पैदा नहीं होता एक बार, लेकिन भगवान का दम किसान बहन माकुर जी ने एक ही बात कही थी, जिस दिन नीना जी डायमंड बन जाओगे ना उसी दिन की चल में कदम रखना। भाई साहब चूड़िया नहीं पहनी हाथों में, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, चूड़िया नहीं पहनी, साड़ी नहीं पहनी, जिस दिन से शादी हुई है कोट पैंट में दिखती हूँ, साड़ी नहीं पहनती, जिस दिन फेस्टिवल होता है उसी दिन साड़ी पहनती हूँ। शादी के बाद कभी किसी लड़की को रोका ना जाए ऐसा इतिहास रचूंगी, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि जिसके सपने होते हैं ना वो ही जानता है। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं बनना चाहती हूँ सच में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ मुझे कोई ना रोके। और मैं से जब लोग कहते हैं ना कि आउटपुट क्या ही रहते ना, जब मेरा दिल रोता है कि आउटपुट मैं दूंगी उन लोगों को दिखाऊंगी जो लड़कियों को चूड़ी पहना के किचन में बिठा देते हैं, साड़ियां पहना देते हैं। मैं वो नहीं बनूंगी, मैं अपनी मम्मी की तरह वर्किंग बनूंगी, मैं कैबिन पर काम करूंगी, ये मेरा अपना कमिटमेंट है। और थैंक यू, सबसे बड़ी बात मेरा
बीमारी में निकाला, हर परिस्थिति में निकाला, गुरु जी ने मुझे आनंद पार कोटि कोटि और मेरा कमेंट बेटा इसी चार down down. Thank you.